लॉन्ग सिटिंग आज की वजह से मेरा बैक में लोअर बैक में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। इनका राइट साइड का अप जा रहा है पेल्विक का और इनके स्पाइन में एक रोटेशन है, उससे साफ पता चल रहा है कि इनका इनस्टेबिलिटी जो है थोड़ी सी पोस्चर में है और पोस्चर की वजह से ही पेन हो रहा है। इनको करेक्शन करते हैं। यस, अश्विनी क्या दिक्कत थी, आप किस लिए आए हुए थे हमारे यहाँ? सर 2019 में मुझे डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम हुई थी। कहाँ की सर? L4 L5 में। L4 L5 जी। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट लिया था, एक्सरसाइज वगैरह से ठीक हो गया था काफी हद तक, बट अभी वापस से क्योंकि मेरी लॉन्ग सिटिंग आज हो रही थी पढ़ाई की वजह से, तो वापस से पेन हमारा बढ़ने लग गया था, तो इस वजह से सर मैं आया था। तो ये जो आपका पेन हो रहा था, ज्यादा देर बैठने पे हो रहा था और कमर में ही हो रहा था कि पैरों तक जा रहा? नहीं सर, बैठने की वजह से ही हो रहा था। लॉन्ग सिटिंग आवर्स जब होते थे तब पेन बढ़ जाता था, और जितना ज्यादा वो लॉन्ग होता था फिर तो पेन उस हिसाब से बढ़ता रहता था। आपका जॉब प्रोफाइल क्या है? सर मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। तो लॉन्ग सिटिंग आपको करनी पड़ रही थी? यस सर। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो अश्वी, आज हम लोगों ने एग्जामिन किया आपका और पोस्चर एनालिसिस किया। पोस्चर एनालिसिस के बाद कैसा लगा आपको? काफी चीजें क्लियर हो गई जो डाउट्स थी? सर काफी कुछ क्लियर हुआ, उसमें डेटा बहुत ज्यादा मतलब अच्छे क्लियर तरीके से हमारे सामने आए, काफी एंगल्स वगैरह पता लगा कि हमारी क्या पोस्चर में गलती हो रही है, बैठने में या उठने में। तो उससे जो आपको एजुकेट किया गया उससे भी काफी हद तक आपको हेल्प मिली? काफी हेल्प मिली सर, इतना डिटेल में इतना माइन्यूटली तो हमने मतलब नहीं सोचा था कि कभी हमारी पोस्चर। एक्चुअली पोस्चर एनालिसिस के दो तरह के फायदे हैं, एक तो इमीडिएट हम लोगों ने देखा कि क्या प्रॉब्लम है और उसको करेक्ट किया, उसके साथ ही साथ कई सारी जो फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम है, बिकॉज ग्रेजुअली धीरे धीरे पोस्चर की वजह से जो प्रॉब्लम डेवलप होती है उसमें दिक्कतें और बढ़ती चली जाती है, बिकॉज पोस्चर जो होता है ना डायनेमिक होता है और डायनेमिक में कंपेंसेटिव पोस्चर होता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद जो हम लोगों ने आपका ट्रीटमेंट किया अभी कैरोप्रैक्टर ऑस्टियोपैथी, आप देखेंगे इनका ये वाला जो लेफ्ट वाला लेग है, ये अंगूठा और ये दोनों का गैप आप देख सकते हैं, ये काफी फर्क है हाइट में। ये देखेंगे यहाँ से, यस, ये भी आप देख सकते हैं नी के लेवल पे। बिकॉज जब लंबे समय तक एक ही पोस्चर रहता है तो कई सारे चेंजेस हो जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरा ये फिंगर और इस फिंगर की हाइट आप देख सकते हैं। ये इजली काफी बराबर आ गया है। देख सकते हैं काफी हद तक बराबर आ गया।
मीटर पर हो गई। सीधा होइए, सीधा होइए, सीधा हो जाइए, सीधा फिर जाइए, सीधा। मसल का अलाइनमेंट किया उसके बाद कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है सर, काफी अच्छा लग रहा है सर। हमने डेटा में देखा था कि मेरे लेफ्ट साइड के जो हील्स और फुट थे उस पे प्रेशर ज्यादा हो रहा था, वेट ज्यादा पुट ऑन में उधर कर रहा था, राइट साइड पे कम कर रहा था, तो वो हमें डेटा एनालिसिस से पता लगा। और यहाँ हम लोग पैर में भी देख रहे थे कि पैर का जो साइज ऊपर का उंगली था वो काफी चेंजेस था, और क्योंकि हमको पता लगा कि हमें वेट भी थोड़ा राइट साइड में ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो। तो एक हफ्ता अभी जैसा हमारा ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद काफ़ी उसके रिजल्ट्स आए, मैंने कोशिश करी कि राइट साइड में वेट रखें, तो उसके बाद के जो एनालिसिस के बाद रिजल्ट्स आए तो उसमें सर काफ़ी अच्छा मतलब मुझे फील हो रहा है अभी उसके बाद। अब उतनी लॉन्ग सीटिंग आज के बाद प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब इतने कम समय में इतना ज़्यादा रिजल्ट आउटकम आएगा इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हमारे पास। तो काफ़ी बेटर है, आप सेटिस्फाइड हैं? बहुत सेटिस्फाइड है सर, काफ़ी सेटिस्फाइड है बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ हमने राष्ट्रीय को कहा कि आप घर पे एक्सरसाइज नहीं मिस करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है बिल्कुल सर, और इसको करते रहना है बिल्कुल सर। राष्ट्रीय, जो आपका हम लोगों ने फीडबैक लिया है, ये फीडबैक अपने जो एक्स्ट्रा केयर की या मेरी जो यूट्यूब चैनल है या फिर जो हमारे इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल्स हैं उस पे हम लोग इसको एज अ फीडबैक यूज कर सकते हैं, आप इसका कंसेंट दे रहे हैं? बिल्कुल सर, आप यूज कर सकते हैं हमारा फीडबैक ताकि और भी लोगों की इसके थ्रू हेल्प हो। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।